अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। भाई सुबह से बहुत ज़ोरों शोर से जो है बारिश हो रही है, तो मेरा तलहा और अबू का ये प्लान है कि हम लोग रात का खाना बाहर खाएंगे। अबू का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि हम लोग कुछ चटपटा स्पाइसी सा खाएँ, तो हो सकता है कि हम लोग बारबेक्यू खाएँ या चाइनीज़ खाएँ, लेट्स सी। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं व्लॉग, बस यहाँ से स्टार्ट है। मैं आप लोग को बारिश दिखाती हूँ और उसके बाद अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, रात का जो डिनर है वो हम लोग बाहर करेंगे। तो गाइस चले आने पहले बारिश दिखाती हूँ और फिर रेडी होकर हम लोग निकलते हैं। लेट्स गो। ये देखिए बारिश हो रही है, बस मैं अभी नाश्ता कर रही थी। हल्की हो गई, मैंने कैमरा ऑन किया है और वीडियो हल्की हो गई है। ये देखिए कितनी देर से हो रही थी नदीन। हाँ आप देखिए हल्की हो गई। A few moments later। अरे ये देखिए आ गया नदीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चलें कहीं तो इंशाल्लाह, बस अभी थोड़ी देर में अबू तैयार होकर ऊपर आ रहे हैं तो फिर हम निकलते हैं डिनर के लिए। अरे अबू का दिल जो है, वैसे तो पिज़्ज़ा खाने का दिल है लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा पिज़्ज़ा खाने का। मुझे मोटा नहीं होना और मैं वैसे डाइटिंग शुरू कर दी है मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ कि बादराबाद पे पीकिंग रेस्टोरेंट है, बड़े मज़े का होता है, उसका चाइनीज़ फूड है वो, तो बस मैं सोच रहा हूँ कि अबू वही बोल रहा हूँ वही खाएंगे इंशाल्लाह। आप कर लें बात। गर्मी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी, बहुत अच्छा हो गया। अभी मैं शाम में बाहर निकला था ना, अच्छा कि मैं अच्छा नहीं लग रहा? आप भी अच्छे लग रहे माशाल्लाह से। अच्छा भाई शुरू हो गई। मैं यही कह रहा हूँ दिन में आप लोग जो है ना वो खूब बना, ज्यादा ज्यादा बनाना शुरू करो। आप बताएं क्या क्या ये भी प्यारी बूटी है और हम यहाँ कितने साल से आ रहे हैं आप लोग? अबू हमें 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। अच्छा और क्या क्या आ रहा है हमारा? बाकी खीरी और आपका टिक्का। हाँ क्योंकि कुछ चटपटा खाने का दिल हो रहा है तो हम यहाँ पर आए। यार ये चमचा नहीं लाता है अभी। ये मेरा आ गया है स्पाइसी टिक्का। खीरी है ना? ये खीरी है। ये मटन होती है बीफ होती है? ये मटन होगी बीफ जाने के हिस्सा होता है चर्बी वाला, वो होता है बीफ का। थोड़ी सी मुझे भी दे दे थोड़ी। कर लो मैंने उस दिन खाई थी मैंने। बस बस मैं पहले ये खा लूँ। आज मेरा बस चटपटा खाने का मूड था और मैं बस जहांगीर मेरठ कबाब हाउस का चटपटा मजा आ जाता खाने और आज मजा आया। चला आपको कैसे लगा इतने दिनों बाद? बड़ा मज़ा लगा, मैं तो कभी आता रहता हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन बड़े मज़े का खाना खाना। पियेंगे हम पठान की चाय। नहीं पान खाएंगे, चाय नहीं, चाय नहीं। बस गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब हम लोग पान खाने जाएंगे। तलहा खोल दिए। बस तलहा अभी आ रहे हैं। बहुत मज़े का खाना था भाई, जो यहाँ का बारबेक्यू है बहुत मज़े का। अब हम लोग पान खाएंगे, अब अबू और तलहा आ रहे हैं तो बस आ जाएं। अब कहाँ? अभी चाय पियेंगे। नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, तो ला पान खाना। हाँ वही पान खाने जाएंगे ना। चाय नहीं, गर्मी बहुत हो रही है। चलो
मेरा यहाँ ऑफिस करे तब तो ये आदमी जानता है मुझे क्या गाड़ी वाला तुम पान ले रहे थे पान वाला हाँ मेरा गली में ऑफिस था ना वाले बहुत बड़े बड़े नहीं लेना मेरे अब बहुत शौक से खाते हैं क्या मैंने कहा आम मैं लेकर नहीं आ रहा बड़ा अंदर से नरम निकला गाइज़ हम लोग घर पर आ गए हैं बहुत मज़ा आया और ये नदीम का है तो व्लॉग में ही पैंड करती हूँ बेटा गाड़ी से सामान निकाल लें तो होप यू गाइज लाइक डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अभी बहुत मज़े के व्लॉग आने वाले हैं अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो गाइज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अपना बहुत सारा ख्याल रखें तो दादा कैसे लगा बहुत मज़ा आया आपको के साथ हमने आउटिंग की हम दोनों ने भी की बड़े दिनों बाद और क्या खाना था बड़े लजीज चीज़ थी उसमें टिक्का था बिहारी बोटी थी और हम लोग कहाँ गए थे आप हम लोग गए थे मेरठ कबाब हाउस जो कि है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में और बहुत ही मज़ा आया अब्बू को भी दिल करा देगा थोड़ा चटपटा खाते हैं तो पहले मैंने सोचा अब्बू से प्लान चेंज करते हैं पिज़्ज़ा नहीं कुछ और खाते तो उन्होंने खुद ही बोला कि यार हमने जो है चटपटा कुछ खाना है तो बड़ा मज़ा आया तो ये नदीम का ये दे दे मैं गलती से मिल गया जो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ये भाई आपका है तो गाइस ठीक है ये साफ है नदीम चले गाइस अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।